मैं ओपी वरुण news.com के लिए आगरा से आपका स्वागत करता हूँ। आज होली है और पूरे देश में पूरे धूमधाम से रंगों के साथ होली मनाई जा रही है। आप जानते हैं कि होली में होली का एक महत्व है कि सब लोग अपने गिले शिकवे मिटाते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि होली पूरे देश में मनाई जाती है और पूरे देश की आधी आबादी महिलाओं की होती है। और शायद मेरी नज़रों में महिलाओं को होली खेलने का वो अधिकार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। मैं इस समय अपनी कार में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ और जो तस्वीरें देख रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग बाइकों से, कारों से या जो उनके पास साधन है उनसे चल रहे हैं। और एक चीज़ में गौर करने वाली है कि जितने भी लोग गाड़ियों पे कार में चल रहे हैं वो सिर्फ लड़के हैं, लड़कियां उनमें दिखाई नहीं दे रही। अगर दो चार लड़कियां होंगी भी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या फॉर एवर जो भी उनके साथ होंगे उनके साथ होंगे। मैं फिर दिखाऊंगा कि आपको देखिए रोड पर सिर्फ वाहन चल रहे हैं और उनमें लड़के मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फरनाटे फरनाए एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए मौज मस्ती करते हुए। लड़कियां दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। होली के दिन लड़कियों का ना दिखाई देना साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि हमारे देश में लड़कियां अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो सब कुछ कहने की बात है कि मैं इस बात को कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो होली जैसे त्यौहार को अपने घर में मनाना पसंद करती हैं, अपने क्षेत्र कॉलोनी यहाँ भी वहाँ सड़कों पर निकलने से वो हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है कि उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, कोई छेड़खानी जैसी वारदात ना हो जाए। इस चीज़ का सोचते हुए वो अपने घर में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, अपने मोहल्ले में सुरक्षित करती है, सड़कों पर निकलने से वो बचती है। एक चीज़ और है कि आखिरकार वो अपने इस असुरक्षित माहौल जो है जो वो क्यों महसूस करती हैं, क्यों हम इन लड़कियों को वो माहौल नहीं दे पाते कि वो भी लड़कों की तरह बाहर निकलें, मस्ती करें और अपनी होली मनाएं। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों को देना चाहिए और शायद मेरे जैसे लड़कों को भी इस सवाल का जवाब अपने घर परिवार की लड़कियों को, अपने आस पड़ोस की लड़कियों को और वो लड़कियां जो जिनसे मैं अपरिचित हूं या आप अपरिचित होंगे उनको देना चाहिए और उनको ये एहसास कराना चाहिए कि वो भी हर त्यौहार का मज़ा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, अधिकार हैं और सुरक्षित हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अगर कुछ लगे आपको कि मैं कहीं गलत हूँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।